हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं? पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया मस्त चल रही बेटा? तो बच्चों, मैं अपने घर से बाहर निकला हुआ हूँ, लेकिन मैं साथ में इस बार फोल्डिंग बोर्ड लेके आया हूँ और कैमरा लेके आया हूँ। तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बना बना के बेटा अपलोड कर रहा हूँ। तो टेंशन नहीं पालना बच्चों, मैं लखनऊ में आया हुआ हूँ। ये सुशांत गोल्ब सिटी है, एक जगह है, यहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अच्छे अच्छे वीडियो बेटा आपको बनाकर यहाँ से दिए जाएं। और आपको याद है हम लोग कन्फॉर्मल मैपिंग पढ़ रहे थे, तो कन्फॉर्मल मैपिंग के बेटा पुराने सारे वीडियोस आप पढ़ लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक बेटा देखो यहाँ पर नीचे दिया गया है। हो सकता है आपको मेरी गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी हुई दिख रही हो साइड में, ये ब्लैक कलर की एक गाड़ी आपको दिख रही है जो है ना, ये गाड़ी मेरी ही है। HD मैथमेटिक्स इस पर लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो टेंशन नहीं पालना बच्चों, गाड़ी आपको दिखा देते हैं। देखो ये आपको दिख रहा होगा HD मैथमेटिक्स आप सब लिखा हुआ। इस पे ऊपर मैंने लगवाया हुआ है कैरियर सामान वामान रखने के लिए, क्योंकि ये बोर्ड और स्टैंड गाड़ी के ऊपर ही रख के चलते हैं। कई बार रास्ते में परेशानी भी होती, ट्रैफिक पुलिस वाले पूछते हैं क्या लेके जा रहे हो तो मैं कहता हूँ भाई ये मेरा घर का सामान है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए हम लोग कन्फॉर्मल मैपिंग के अगले वीडियो को बेटा यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? और पुराने वीडियोस बेटा ज़रूर पढ़ लीजिए, लिंक नीचे दिया गया। इसके अलावा देखो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। एनालिटिक फंक्शन भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसका देखो बेटा नीचे लिंक दिया गया। इसके अलावा मैथ्स की दुनिया के और भी बड़े बड़े अच्छे टॉपिक मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट पर जा करके हर टॉपिक सर्च कर सकते हैं। चलिए बच्चों हम लोग कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के अगले वीडियो पर देखो बेटा आ गए हैं। थोड़ा सा कैमरे को मैं सीधा कर लेता हूँ और हम लोग बेटा कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में आज एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और सबसे पहला देखो बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा है मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन देखो, मैग्नीफिकेशन में क्या होता है, इसमें हम ओमेगा इक्वल टू समथिंग ए टाइम्स जेड लेते हैं, और यहाँ पर जो ए होता है ना ये कुछ रियल होता है। तो ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या करता है बच्चों, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चों, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके से जो हमारा डायग्राम होता है उसको मैग्नीफाइड कर देता है, उसको बड़ा कर देता है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे ग्राफ को जो कि हम जेड प्लेन में लेते हैं, तो जेड प्लेन का ग्राफ जब ओमेगा प्लेन में ट्रांसफ़र होता है इसकी हेल्प से, तो ये ग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाता है। देखो कैसे, यहाँ पर ए रियल होगा, ध्यान देना, मतलब इमेजरी नहीं होगा। देखो इस बात को ज़रा समझो, देखो ये भी एक टाइप का बाइलिनियर होता है। देखो जैसे ओमेगा इक्वल टू फॉर एग्जांपल मैंने 2z लिया, देखो बाइलिनियर क्या होता है, मतलब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी एक प्रकार का कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने क्या बताया था आपको, बाइलिनियर क्या होता है, ये होता है az प्लस बी अपॉन cz प्लस डी और ad माइनस bc नॉन जीरो होना चाहिए। बाइलिनियर मैं आपको अलग से पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, अलग प्लेलिस्ट है, उसका लिंक नीचे दिया है, आप जाके पढ़ लीजिए। एनालिटिक फंक्शन और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एक ही प्लेलिस्ट में है, उसका लिंक नीचे दिया है, आके पढ़ लीजिए। तो बता रहा हूँ मैं आपको, देखो ये जो मैग्नीफिक, हालांकि ये हर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है भाई। जो बाइलिनियर है वो भी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके पहले हम लोगों ने रोटेशन वाला पढ़ा था वो भी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन था, हम लोगों ने ट्रांसलेशन पढ़ा था वो भी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन था, ये देखो हम लोगों ने पढ़ा मैग्नीफिकेशन ये भी कन्फॉर्मल। देखो ये कन्फॉर्मल क्यों है, कन्फॉर्मल इसीलिए है क्योंकि देखो ये जो फंक्शन है ये जेड की हर वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल है, और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो 2 आएगा जो कि नॉन जीरो है। डिफरेंशिएशन कहीं भी जीरो नहीं है भाई। कन्फॉर्मल की क्या डेफिनेशन थी कि फंक्शन जो जेड का डोमेन दिया है उस डोमेन पर डिफरेंशिएबल हो, जो z का डोमेन दिया है उस डोमेन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल और उसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन देखो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। अब दूसरी बात देखो, ये जो मैग्नीफिकेशन है मतलब ये कन्फॉर्मल है, ये कन्फर्म है, कन्फॉर्मल है ये कन्फर्म है। अच्छा ये मैग्नीफिकेशन बाइलिनियर भी है, देखो कैसे है। अगर मैं इसको देखो ऐसे लिखूं, ओमेगा बराबर 2z प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इंटू z लिख सकता हूँ। देखो भाई ये क्या हो गया, ये 2z बाई 1 हो गया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। दो कैसे, अब a क्या हुआ, a हो गया 2 और b क्या हो गया, b हो गया 0। देखो c क्या हो गया, c हो गया 0
और डी क्या हो गया, डी हो गया 1। अब देखो चेक करो, ए डी माइनस बी सी निकालो तो ए डी कितना हो गया 2 और बी सी कितना हो गया 0। देखो ये नॉन जीरो आ गया, तो मतलब ये एक प्रकार का बाइलिनियर भी है ना। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक प्रकार का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। कौन सा? मैग्नीफिकेशन वाला। इसके पहले मैंने बताया था कि ट्रांसलेशन जो है वो भी एक प्रकार का बाइलिनियर होता है। पिछले वीडियो में मैंने समझाया था आपको ये बात, भाई जो ट्रांसफॉर्मेशन इस कंडीशन को पूरा करेगा समझ लीजिए वो बाइलिनियर होगा, ठीक है ना। अच्छा, और ये सब कहीं ना कहीं कहाँ से निकले हैं? ये सब कहीं ना कहीं निकले हैं बच्चों कन्फॉर्मल मैपिंग से, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ये भी एक टाइप का कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो अब ये कैसे हमारे डायग्राम को मैग्नीफाई करता है ये मैं आपको समझाता हूँ, कैसे डायग्राम को ये बढ़ा कर देता है। देखो कैसे, देखो फॉर एग्जांपल मैं ओमेगा इक्वल टू 2z लेके चलता हूँ और मैं इसको यहाँ पर शो करूँगा कि कैसे ये चीज़ों को मैग्नीफाई करता है। देखो फॉर एग्जांपल मैंने ओमेगा इक्वल टू 2z ले लिया, ठीक है, ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया। अब ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ले लिया, अब ये मुझे बताना होगा कि मैंने जेड प्लेन में क्या ग्राफ लिया है। तो मान लीजिए मैंने जेड प्लेन में जो ग्राफ लिया है वो लिया है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इक्वल टू 1। मान लीजिए मैंने जेड प्लेन में तीन ग्राफ लिए हैं। फॉर एग्जांपल ये जेड प्लेन में मैंने अपने तीन ग्राफ लिए हैं। अब मैं देखूंगा ये तीन ग्राफ जो हैं जब ये ओमेगा प्लेन में जाएंगे तो किस तरीके से ये तीन ग्राफ मैग्नीफाई हो जाएंगे, क्योंकि ये ग्राफ हमको मालूम होने चाहिए आखिर क्या है। देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि z को सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, z को मैं लेता हूँ x प्लस आयोटा वाई, और ओमेगा को क्या लेता हूँ, ओमेगा को मैं लेता हूँ u प्लस iv सबसे पहले, क्योंकि जब तक हम x y और u v में रिलेशन नहीं जानेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने ये वैल्यू उसकी पुट कर दी है, u प्लस iv हो गया और 2 इंटू ये हो गया x प्लस iy। बात क्लियर है? अब देखो रियल से रियल इक्वेट करोगे तो u बराबर क्या आएगा 2x, इमेजरी से इमेजरी इक्वेट करोगे तो v बराबर क्या होगा 2y, है ना। ये आ गया मेरे पास u v x y में रिलेशन। देखो ध्यान दो, यहाँ से काम ये कर सकते हो, जैसे x की वैल्यू निकाल लो u by 2 और y की वैल्यू क्या हो गई v by 2। ऐसा भी कर सकते हो कि x y की वैल्यू आप u और v के टर्म में निकाल लो पहले। देखो ध्यान दो, जैसे कि अगर मैं x को 0 लेता हूँ और अगर मैं x को 0 यहाँ रखता हूँ तो u क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक बात है। x इक्वल टू 0 से u क्या आ गया, 0 आ गया। मान लीजिए मैं y इक्वल टू 0 लेता हूँ और y इक्वल टू 0 को अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ इसमें तो v क्या मिल जाएगा, 0। बात क्लियर है? y को 0 पुट करो। तीसरा देखो, अगर मैं लेता हूँ x प्लस y इक्वल टू 1, तीसरा ग्राफ मैं लेता हूँ, इसको मैं u और v में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। देखो x की वैल्यू क्या है, ये है u by 2 और y की वैल्यू क्या है, ये है v by 2 इक्वल टू 1। देखो यहाँ से u प्लस v बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखो क्या हो रहा है, समझो यहाँ पर ध्यान से, जो हमारा ये ग्राफ है जो कि z प्लेन में थे वो इन नए अलग अलग ग्राफ में ट्रांसफ़र हो गए, है ना। देखो भाई ये ग्राफ ये थे, देखो ये ग्राफ क्या थे, इसको मैं समझाऊँ यहाँ पर। देखो लिखता हूँ मैं इसको, इसके डायग्राम बनाता हूँ, इजी है काफ़ी। देखो क्या होगा बच्चों, समझो जेड प्लेन में देखो क्या चल रहा है। देखो जेड प्लेन में चल रहा है एक तो एक्स बराबर 0, ये होता है एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि जो वाई एक्सिस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स इक्वल टू 0 कहते हैं। वाई इक्वल टू 0 ये क्या हो गया, वाई इक्वल टू 0 हो गया। जो एक्स एक्सिस होता है ये क्या होता है, वाई इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन होता है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है, बोलो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है, इसको बना सकते हैं, ये लाइन होती है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, मैंने बताया था कैसे बनी, आसान है भाई। अगर आप इसमें x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो 0.1 पॉइंट, ये पॉइंट हो गया 0.1 हमारा। अगर आप इसमें y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 1.0, देखो ये वाला पॉइंट हो गया 1.0। तो मतलब एक पॉइंट यहाँ पर जो हमारा 0.1 था वो यहाँ, मतलब किसी भी लाइन को ड्रॉ करना है तो दो पॉइंट चाहिए ना, कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो दो पॉइंट चाहिए भाई। इसलिए एक बार इसमें x को 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 1 आ गई,
एक बार वाई को जीरो पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू बना दी, तो इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ कर लिया, लाइन को पास कर दिया। तो ये देखो लाइन हमारी बेटा पास हो गई। अच्छा, ये जो हमारा ग्राफ बना ये जेड प्लेन में बना। अब देखो करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है जो यू वी प्लेन में है वो ये है, यू जीरो वी जीरो यू प्लस वी इक्वल टू टू। इसको याद रखना, यू जीरो वी जीरो यू प्लस वी इक्वल टू टू, इसको याद रखना। क्या है बोलो? ये है u0, v0 और u प्लस v इक्वल टू टू। देखो समझो ध्यान से, ये तो हमारा z प्लेन था है ना, जिसमें हम एक्स वाई में चल रहे थे। ये देखो ओमेगा प्लेन है, इसमें देखो ये हमारा u एक्सिस है, ये v एक्सिस है। जो u एक्सिस होता है इसका एक क्वेश्चन हो जाएगा v इक्वल टू जीरो, और जो v एक्सिस होता है इसका एक क्वेश्चन हो जाएगा u इक्वल टू जीरो, हमेशा उल्टा होता। तीसरा देखो u प्लस v इक्वल टू टू, u प्लस वी इक्वल टू टू का मतलब अगर मैं v को जीरो लूँगा तो u क्या आएगा? टू, तो टू कॉमा जीरो पॉइंट मिल गया, जो कि देखो यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर मैं v को जीरो रखूँगा तो u आएगा टू, अगर मैं u को जीरो रखूँगा तो v आएगा टू, तो देखो ये पॉइंट हो गया जीरो टू। तो देखो इन दोनों पॉइंट से ये लाइन पास होगी। अब देखो ये जो ग्राफ है ना मैग्नीफाई हो गया, बड़ा हो गया, टू टाइम डबल हो गया। ये वाला पॉइंट 1001 था, ये वाला पॉइंट 2002 हो गया, मतलब जो ग्राफ है हमारा ये मैग्नीफाई हो गया, ए लार्ज हो गया है ना। तो इसीलिए जो ओमेगा इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम जेड होता है ये हमारा हमेशा मैग्नीफिकेशन का काम करता है, ग्राफ को एनलार्ज कर देता है, बड़ा कर देता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक प्रकार का अपने आप में इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है ना। मैंने बताया था बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी एक प्रकार का कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कन्फॉर्मल को दो तरीके से पहचानते हैं, एक तो वो डिफरेंशिएबल हो और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन जीरो ना हो, और दूसरी पहचान ये होती है दो कर्व जो कि जेड प्लेन में काटते हैं। ये मैंने समझाया था सारा आपको, ये मैं सारा आपको समझा चुका हूँ, दो कर्व जो कि जेड प्लेन में काटते हैं उनके बीच का एंगल और सेंस ऑफ एंगल। और सिमिलरली ओमेगा प्लेन में भी जब करस्पॉन्डिंग कर्व जाएंगे तो उनके बीच का एंगल और सेंस ऑफ एंगल सेम होना चाहिए। देखो समझो ध्यान से, इसको लिखो। अब देखो बच्चों मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ बताता हूँ, और ये कॉन्सेप्ट अपना है इन्वर्जन का है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों यहाँ पर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पर क्या होगा, एक बार मैं टाइम देख लूँ क्या हो रहा है। टाइम की कोई टेंशन नहीं, अभी हम पढ़ सकते हैं और वीडियो देखो यहाँ पर, और अच्छे अच्छे बेटा यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है ना, देखो समझो ध्यान से। हाँ देखो, अब मैं अगला कॉन्सेप्ट लेने जा रहा हूँ बच्चों इन्वर्जन का। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले खड़ी दो घड़ी, ओ मित्रा आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। देखो बच्चों इन्वर्जन में क्या होता है, ये इस टाइप का होता है ओमेगा इक्वल टू वन बाई जेड टाइप है ना, मतलब उल्टा, जिसको हम रेसिप्रोकल फंक्शन बोला करते थे एक्स वाई वाले में, वो बच्चों यहाँ पर क्या बन गया, इन्वर्जन बन गया। देखो अब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं जेड प्लेन में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं जेड प्लेन में, फॉर एग्जांपल देखो मैंने जेड प्लेन में क्या किया, एक स्ट्रिप ले लिया, और स्ट्रिप ले लिया वाई फ्रॉम 1/4 टू 1/2 स्ट्रिप, और एक्स क्या लिया, एक्स लिया मैंने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। मान लो मैंने एक स्ट्रिप लिया जेड प्लेन में। देखो ये जो डायग्राम बनाएगा इन्वर्जन, ये क्या करेगा, डायग्राम को ऊपर से नीचे पहुंचाएगा हमेशा है ना। देखो ये बनने के बाद ज़्यादा समझ में आएगा। देखो जैसे मैंने देखो एक स्ट्रिप लिया 1/4 से 1/2 तक का स्ट्रिप लिया, मतलब देखो ये स्ट्रिप क्या है, देखो जैसे समझो ध्यान से, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसका एक क्वेश्चन वाई बराबर जीरो होगा, तो वाई बराबर 1/4 लाइन देखो ये होगी, ठीक है, और वाई बराबर 1/2 लाइन देखो ये होगी। तो हमें जो लेना है वो इन दोनों के बीच में लेना है, y की वैल्यू 1/4 से 1/2 तक हमको लेनी है, और x लेना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब देखो इन दोनों के बीच का हमको ये पूरा स्ट्रिप चाहिए है ना।
तो ये हमें स्ट्रिप एक्स वाई प्लेन में दिया गया है। देखो बच्चों ध्यान देना, हमें जो फंक्शन है ये भी मालूम होना चाहिए और जो एक्स वाई प्लेन में हमारा ग्राफ है ये भी मालूम होना चाहिए कि आखिर आपने एक्स वाई प्लेन में ग्राफ लिया है तो क्या लिया है। बात समझे? ये बात समझो ध्यान से। देखो तो ये हमें स्ट्रिप दिया गया, अब ये स्ट्रिप कैसे जाएगा ओमेगा प्लेन में, देखो इसको जरा हम समझें। देखो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यू वी और एक्स वाई में रिलेशन चाहेंगे। सबसे पहला काम बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यू वी, हो सकता थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब हो रहा हो लेकिन कोई बात नहीं बेटा, लाइफ में मज़ा तभी भी आता है जब डिस्टर्ब हो थोड़ा सा, ऐसे सूखे सूखे अकेले अकेले पढ़ने मज़ा थोड़ी आता। यहाँ पर देखो हर तरफ लोग हैं, चहल पहल है तो अच्छा लग रहा है पढ़ने, मज़ा भी आ रहा है, मुझे पढ़ाने मज़ा आ रहा है, वरना बंद कमरे में पढ़ाता रहता था, टेंशन होती थी दिमाग में, आज टेंशन नहीं है, लोग दिख रहे हैं आते जाते हुए, ठीक है ना, बाकी तुम खुद समझदार हो मतलब चलो। देखो तो मान लीजिए मैंने z को x प्लस आई वाई ले लिया, तो ओमेगा क्या हो गया, वन अपॉन x प्लस आई वाई हो गया, है ना। ओमेगा को क्या लिखेंगे, u प्लस आई वी लिखेंगे। मुझे u और v एक्स वाई में रिलेशन चाहिए होता है हमेशा, तो क्या करना है, देखो अब इसको हम थोड़ा सा रियल और इमेजनरी पार्ट में बदलना चाहेंगे। देखो कैसे, x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई ऊपर किया और क्या करेंगे, देखो x माइनस आई वाई से हम मल्टीप्लाई इसको नीचे करेंगे। देखो ध्यान दो क्या होगा, ये होगा u प्लस आई वी बराबर, देखो ये हुआ x माइनस आई वाई, ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर और माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, तो आई स्क्वायर माइनस वन हो के प्लस वन हो जाएगा। देखो ऐसे हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर u क्या हो गया, ये हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v क्या हो गया, v हो गया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पर ऐसे ही आ गया, बस समझे ना भाई, u v और x y में यहाँ पर देखो बच्चों ये एक रिलेशन आ गया जो हम चाहते थे। अच्छा अब देखो क्या होगा, हम चाहेंगे कि ये जो y की वैल्यू है ये 1/4 से 1/2 तक जाए, तो करस्पॉन्डिंग ग्राफ यू बी में देखो यहाँ पर क्या बनेगा, बोलो। देखो काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग यू वी और एक्स वाई में रिलेशन निकालना पड़ेगा। यू वी और एक्स वाई बच्चों हमको, देखो एक काम करो इसको लिखो जरा जल्दी पहले से, देखो ध्यान दो, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो यू वाई वी क्या होगा, बोलो, माइनस का एक्स वाई वाई आएगा। देखो चूंकि मुझे वाई की वैल्यू पहले 1/4 लेनी है फिर वाई की वैल्यू 1/2 लेनी है, तो बेसिकली मुझे वाई और यू वी में अगर रिलेशन मिल जाए तो काम चल जाएगा। देखो यहाँ से क्या हुआ, जो हमारा एक्स है ये क्या हुआ, माइनस का वाई इंटू यू वाई वी हुआ, ठीक है, इनको डिवाइड कर दिया। अच्छा ये x की वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ मान लो किसी में भी, देखो ध्यान दो, मुझे एक्चुअली y की वैल्यू एक बार 1/4 लेनी है और एक बार 1/2 लेनी है, x तो सब कुछ है ही, x की तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो मतलब इसलिए मैं y और u और v में रिलेशन निकालना चाहूँगा। थोड़ा दिखना बंद हो गया क्या, थोड़ा सा पीछे करता हूँ कैमरा तो आपको मस्त यहाँ पर दिखेगा। हाँ अब हुई ना बात मज़ेदार, मेरी गाड़ी पीछे दिख रही है आपको, ठीक है ना। चलो तो देखो ये x की वैल्यू यहाँ रख दे तो u क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वाई यू वाई वी, ठीक है ना, इसमें रख दी x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो u इक्वल टू है और होल डिवाइड में देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, वाई स्क्वायर यू स्क्वायर वाई वी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, बोलो भाई बात समझ में आएगी नहीं, बताओ बच्चों, है ना। तो हमने क्या किया कि यहाँ से देखो क्या बनेगा, समझो ध्यान से, ये क्या होगा, ओहो हो 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 यू स्क्वायर और वी स्क्वायर को हटाना चाहिए था तो अच्छा रहता, खैर कोई बात नहीं कैसे भी कर सकते हैं, यू और वी को हटाते तो अच्छा रहता बच्चों। यहाँ पर देखो समझो ध्यान से कि
चलो अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं, ये क्या हो गया अपना, देखो माइनस वाई यू वाई वी हो गया, और इनटू ये क्या हुआ वी स्क्वायर पहुंच गया ऊपर, और वाई स्क्वायर कॉमन लिया, और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो गया, ठीक बात है। अच्छा भाई वी से वी हो गया कैंसिल यहाँ पर देखो, और ये U से U भी कैंसिल कर दिया जाए, तो 1 बराबर क्या हो गया माइनस का वाई वी अपॉन, अच्छा एक Y से Y भी कैंसिल कर दिया जाए, तो खाली देखो यहाँ पर Y बचेगा, और U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर देखो यहाँ पर बचेगा, ठीक बात है। बोलो, थोड़ा सा लेंथी हो गया, अगर कोई बात नहीं, क्या करा जाए, हो जाता है कई बार। अच्छा अब देखो यहाँ से क्या हुआ, y की वैल्यू मिल गई, देखो y की वैल्यू क्या मिल गई, ये मिल गई माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, बस समझो y की देखो वैल्यू मिल गई हमको, कोई टेंशन नहीं। अच्छा अब देखो समझो, जब ये y की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है, अच्छा अब देखो y जाना है 1/4 से 1/2 तक, देखो अगर मैं y की वैल्यू को, अगर मैं फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर y की वैल्यू को 1/4 लेता हूँ, तो 1/4 y यहाँ रखो, तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 बराबर माइनस का v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और प्लस का 4v इक्वल टू 0। देखो बच्चों क्या हुआ, ये टाइप का सर्कल आया है ना, y की देखो वैल्यू क्या है, ये है माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसको लिख देते हैं, बाकी सब कुछ हटा देते हैं, देखो समझो इसको लिखो, तब तक बेटा मार्कर में मैं इंक भर लूँ जरा यहाँ पर ध्यान से, बहुत ज़रूरी है बेटा, मार्कर में अगर इंक नहीं होगी तो लिखा लिखी नहीं हो पाएगी, फिर मार्कर खाली हो रहा है, इसमें इंक को डालना बहुत ज़रूरी है, मज़े से चल नहीं रहा है, हर गाड़ी बेटा जो है वो पेट्रोल डीजल मांगती है लाइफ में, तो इसलिए जो मार्कर की गाड़ी है ये भी डीजल पेट्रोल तो मांग ही रही है, ठीक है ना। चलो भाई देखो ध्यान से, देखो जैसे क्या होता है बच्चों यहाँ पर समझो ध्यान से, हम लोग जब ये सर्कल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, जब हम ये सर्कल लेते हैं बच्चों, तो इस सर्कल में सेंटर क्या होता है माइनस जी और माइनस एफ होता है, और रेडियस क्या होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। देखो ध्यान से इसको कंपेयर करो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो जी एक्स एक्स यहाँ पर यू है तो जी हो गया 0, देखो 2fy वाई यहाँ पर वी है तो इसका मतलब 2f की वैल्यू 4 हो गई तो f हो गया 2, और c क्या है c भी देखो यहाँ पर 0 है, समझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वही अपना कॉन्सेप्ट, तो x वाला टर्म देखो मतलब जो u वाला टर्म था वो यहाँ नहीं है, तो g की वैल्यू 0 हो गई, v मतलब ये 2f है ना, y y का मतलब यहाँ v हो गया, तो ये आ गया, तो देखो इसका सेंटर क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया माइनस जी माइनस एफ, और इसका रेडियस क्या हो गया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो देखो रेडियस 2 हो गया, मतलब देखो ये जो सर्कल मिला ये सेंटर 0 माइनस 2 और रेडियस 2 है ना, तो एक सर्कल जो मिला ये सेंटर 0 माइनस 2 और रेडियस कितना है 2, ये कब मिला जब मैंने वाई को 1/4 लिया तब मिला। अच्छा अब देखो दूसरा मैं लूँगा वाई को 1/2, तो अगर मैं वाई को 1/2 लेता हूँ तो यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, ये भी क्या होगा 2v होगा, g तो 0 ही रहेगा और 2f की वैल्यू 2 होगी तो f की वैल्यू 1 होगी, c 0 ही रहेगा, सेंटर माइनस g माइनस f, सेंटर क्या होगा माइनस g माइनस f, तो सेंटर माइनस 1 होगा, रेडियस क्या होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो रेडियस जो है ये 1 होगा। देखो ये जो सर्कल मिला है y को हाफ लेने पर इसका सेंटर हो गया 0 माइनस 1 और रेडियस कितना हो गया इसका 1, देखो समझो। अब देखो ये जो हमारा था ना वाई 1/4 से 1/2, तो देखो वाई 1/4 के करस्पॉन्डिंग सर्कल हमारा ये है,
और वाई 1/2 के करस्पॉन्डिंग देखो सर्कल हमारा ये है। देखो क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, समझो ध्यान से। देखो ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है 0-2, तो यहाँ इसका कहीं सेंटर हुआ, और रेडियस भी इसकी 2 है। देखो ये सर्कल ऐसे करके कुछ बनेगा, ठीक है ना। अच्छा ये जो सर्कल है इसका सेंटर है 0-1 और रेडियस है इसका 1। देखो ये सर्कल कुछ ऐसे करके बनेगा, ये ऐसे, ये सेंटर हो गया 0-2 और रेडियस 2, ये डिस्टेंस 2, और इसका सेंटर 0-1 और देखो रेडियस 1। तो अब हमें क्या करना है, 1/4 और 1/2 के बीच का पार्ट लेना है, मतलब हमें इस बड़े सर्कल और छोटे सर्कल के बीच का पार्ट लेना है, मतलब हमें देखो ये वाला ग्राफ यहाँ पर मिलेगा ये। तो मतलब जो हमारी ये देखो स्ट्रिप थी, जो हमारी ये 1/4 से 1/2 वाली देखो जेड एक्सिस में जो स्ट्रिप थी, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये देखो मेरी स्ट्रिप थी y=1/4 और 1/2 के बीच वाली स्ट्रिप। तो ये जो स्ट्रिप थी हमारी वो इस ग्राफ में जाके चेंज हुई, है ना। जो ये स्ट्रिप थी y=1/4 से 1/2 वाली स्ट्रिप, ये इस ग्राफ में जा करके बदली, मतलब इन्वर्जन हो गया, है ना। तो ये यहाँ पर इन्वर्जन का बच्चों देखो सेंस है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से, पहले मैं आपको कुछ और अच्छी बातें यहाँ बताता हूँ, तब तक थोड़ा मैं वॉकिंग कर लूँ। मेरे मित्रवा मेरे मित्रे, तो देखो बच्चों ये हम लोगों ने ट्रांसलेशन पढ़ा, रोटेशन पढ़ा, मैग्निफिकेशन पढ़ा, और हम लोगों ने इन्वर्जन पढ़ा। ये मतलब चार मेन मेन टाइप के जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ये हम लोगों ने पढ़े, और हर ट्रांसफॉर्मेशन में आप जेड प्लेन में जो दी गई कर्व की इक्वेशन है, करस्पॉन्डिंग आप ओमेगा प्लेन में कर्व की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम होता है यूवी और एक्स वाई में रिलेशन। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल था, इसमें यूवी और एक्स वाई में रिलेशन नहीं मिला, लेकिन मैंने वाई और यूवी में रिलेशन निकाल लिया था बहुत ही हेरा फेरी करके, ठीक है। तो y में और u v में रिलेशन थोड़ी मैंने हेरा फेरी करके निकाला था, मैथ्स में चलता है, थोड़ी हेरा फेरी सीखनी पड़ती है, ये सब बाएं हाथ के खेल हैं, हाथ की सफाई है बेटा, ये सब करनी पड़ती है मैथ्स में भी, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने बेटा देखा कि हमारा ये जो स्ट्रिप था ये यहाँ पर इन्वर्जन आ गया। क्या टाइम हो रहा है देखो जरा भाई, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो अगर जाएगा तो। खैर अपना आज का कॉन्सेप्ट भी पूरा हो गया, मैग्नीफिकेशन, इन्वर्जन, और हम लोगों ने रोटेशन और ट्रांसलेशन पढ़ ही लिया था। तो बच्चों हम लोग इस तरीके से कन्फॉर्मल मैपिंग के अच्छे अच्छे वीडियो पढ़ते रहेंगे, आप इसको पढ़ते रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और मस्त होकर समझते रहिए, लेकिन आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है। मैं एक्चुअली बाहर निकला हुआ हूँ, तो थोड़ा सा टेम्परेरी बोर्ड मेरे पास है, फोल्डिंग का बोर्ड, ये मैं लेके चल रहा हूँ अपने साथ, क्योंकि बाहर निकलता हूँ तो जहाँ भी स्पेस मिलता है मैं वीडियो बनाता हूँ। पहले भी मैंने एक बार मसूरी से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से बहुत सारे वीडियो बना बना के आपको दिए थे, आपको मालूम होगा। तो फिर मैं कोशिश करूँगा अच्छे वीडियो बनाऊँ, इस बार मेरे पास बोर्ड भी साथ में, पहले मैं क्या था पेपर और पेन पर लिखता था, इस बार पेपर पेन पर नहीं लिख रहा हूँ, बोर्ड साथ में लेके चल रहा हूँ। थोड़ा सा जल्दी मिटाना पड़ता है, लेकिन कोई टेंशन नहीं। अगली बार क्या करूँगा, दो बोर्ड लाऊँगा पैरेलल, एक बोर्ड इधर एक बोर्ड इधर, खटैक खटैक दो बोर्ड लगाऊँगा और दोनों पर मस्त होकर पढ़ाऊँगा, क्योंकि सिंगल बोर्ड बहुत बड़ा नहीं आता है ये। अब कोशिश करूँगा सिंगल बोर्ड में बड़ा मिल जाए, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।